क्योंकि गुरु साहिब किसी ते तरस करते हैं जिन्हों मौका मिलता है, जिन्हों यह वडभागा समा प्राप्त होंदा है। तुसीं इस अपनी सेवा नूं अपने इस समय नूं किवें वेखदे हो? ये तो पुरबले करमां दा भी आपां कह सकते हैं, क्योंकि साढ़े सत्कारयोग पिता जी भाई सोहन सिंह जी वह गुरु घर गुरु की मतलब हाजरी ग्रंथ बतौर ग्रंथी सिंह की ड्यूटी करते रहे ने जी। तो उन्होंने काफ़ी समा अपना पिछोकड़ पंजाब की धरती गुजारिया पिता जी ने, तो उन्होंने बड़ी वड्डी मन च इच्छा सी, कह लो भी वह हमेशा अरदास होंदी सी कि साढ़े बच्चे इस लाइन वड्डे वीर जी ने घाबर भी जाना, लेकिन सतगुर सच्चे पातशाह की अरदास करनी, मालका तू ही डोर फड़न वाला, दुनिया ते साड़ी डोर फड़न वाला उही आ। आपां भुलेखे च ना रहिए, किसे प्रबंधकी सिस्टम जिहड़ा इदां ही चलदा रहना, लेकिन जिहड़ी गुरु अगे अरदास कीती ना वो कभी खाली नहीं जानी। अज जिवें वीर जी हजूरी रागी श्री दरबार साहब अमृतसर ने दुनिया एक बार हाजरी भर के ना लाले दी हजूरी रागी बन गया, लेकिन जिहड़े हजूरी रागी ये बने ना, मैनू पता वा जिदा वीर जी ने लंबा समा गल की, इतों ड्यूटी जाना हापड़ की धरती ते, सवेरे निकलना ट्रेन का सफर करना, उत्थे पहुँचना बड़ी पीड़ा, लंबा समा डा के अज गुरु रामदास महाराज तुठे तकरीबन 4 साल तो सतगुरु सच्चे पातशाह वीर जी ने कहना कि मैं हुण दरबार साहब आ गया वहाँ, तो मैं कहना वीर जी थोड़ा लाइव जदों आऊगा ना उदों मन अंदर शांति आनी, सच्ची मेरा वीर दरबार साहब आ गया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेखन वाले सारे दर्शकों का मैं रमनदीप कौर निघा स्वागत करती हूँ। अज जम्मू कश्मीर की बहुत ही खास शख्सियत नूं रूबरू कर जा रहे हैं, जिन्हां नूं जेकर मैं परसनली अपनी गल करा तो सुनना बहुत चंगा लगता है, ते नाल ही बहुत ही डाउन टू अर्थ परसनैलिटी है, जिहड़े कि इस समय हजूरी रागी ने सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री दरबार साहिब विखे, और बेसिकली कितों ने जम्मू कश्मीर तो, जो साढ़े लिए जम्मू कश्मीर की सिख संगत दे लिए बहुत ही माण वाली गल है। अज भी वो भाई साहब जी जिहड़े गल करन दे लिए इंटरव्यू देन दे लिए तैयार नहीं सन, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं गुरु घर दे विच सेवा कीती है बतौर कीर्तनी है, लेकिन मैं इस तक इंटरव्यू नहीं दिता। पर फिर भी आपां कहा कि जम्मू कश्मीर की बहुत सारी सिख संगत है जिन्हां तक तुहाडे विचार जिन्हां दे रूबरू तुहानूं होना चाहिए, पता लगे कि साढ़े जम्मू कश्मीर की एक खास शख्सियत अज तक असी उन्हां वल उन्हां क्यों नहीं असी अज तक अगे लैके आ पाए, क्योंकि वह तो सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे तुसीं वेखो भाई साहिब भाई जगजीत सिंह जी नूर जिन्हां की हाज़री 15 दिनों के भी 2-3 वारी होंगी और बहुत सोहना कीर्तन करते हैं। अज एक बाणी चैनल नूं यह मौका मिलया, सानू मौका मिलया उन्हां दे नाल बैठ के गल करन दा। सब तो पहला मैं भाई साहिब भाई जगजीत सिंह जी नूर होना दा एक बाणी चैनल दे उत्ते बहुत बहुत स्वागत करदी हां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और नाल ही आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसीं इंटरव्यू देने दे लई मन्ने और अपना कीमती समा जिहड़ा कढ़िया गलबात करन दे लई। भाई साहब जी, जम्मू कश्मीर की सिख संगत दे लई बहुत ही माण वाली गल है कि तुसीं सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे बतौर हजूरी रागी दरबार साहिब तुसीं उत्थे कीर्तन कर रहे हो, तो तुसीं इह क्योंकि गुरु साहिब किसे ते तरस करदे ने जिन्हों मौका मिलता है, जिन्हों यह वडभागा समा प्राप्त होंदा है, तुसीं इस अपनी सेवा नूं अपने इस समय नूं किवें वेखदे हो? ये तो पुरबले करमां दा भी आपां कह सकते हैं, क्योंकि साढ़े सत्कारयोग पिता जी भाई सोहन सिंह जी वह गुरु घर गुरु की मतलब हाजरी ग्रंथ बतौर ग्रंथी सिंह की ड्यूटी करते रहे ने जी। तो उन्होंने काफ़ी समा अपना पिछोकड़ पंजाब की धरती गुजारिया पिता जी ने, तो उन्होंने बड़ी वड्डी मन च इच्छा सी, कह लो भी वह हमेशा अरदास होंदी सी कि साढ़े बच्चे इस लाइन च आन, महाराज की हाजरी भरन, गुरु घर कीर्तन करन, ते उन्हां दी असीसां अरदासां दा सदका ते महाराज ने कृपा की। मेरे भी बहुत शौक सी कि मैं महाराज का कीर्तन करा, बाणी वाले पासे लगा, ते ओ अरदासां उन्हां दी पूरियां होईयां पिता जी दीआं, ते महाराज ने कृपा की, तरस किया, ते मैनूं दर घर की सेवा बख्शिश की महाराज ने। भाई साहब जी, किन्ना चिर हो गया तुहानूं उत्थे सेवा करदे आ? मैनूं दरबार साहब ड्यूटी मेरी जिहड़ी सी सन 2009 तो मेरी जड़ी है, पहले
जिस तरह कच्चे तौर पर होंगे ना मुलाजम रखा जाता पहले तो कंटैक्ट बेस से वो फिर मेरे 4 साल लगे। उस बाद मेरी जी ड्यूटी है वह मुलाजम बतौर मुलाजम बिल मुक्ता होंदा है वो स्टैप होंगे ने फिर ग्रेड तो बाद परमानेंट जी मेरी सर्विस हो गई 4 साल मतलब मैं जो पक्का मुलाजम जिसनों कहते हैं बंदा पक्का हो गया तो तकरीबन 10 साल तो 11 साल का समा हो गया मैनू दरबार साहब की कमेटी के अंदर। पहला मेरी ड्यूटी जी है वो बारले गुरद्वार रही तो तब्दील होंगी हुई बाबा बकाला साहब सुल्तानपुर लोधी तो नाल ही एक हैगा डल्ला करके जगह बारे का स्थान है तो उतों फिर मेरी तब्दीली दरबार साहब शहीदा साहब संतोखसर साहब शहीदा साहब शहीदा साहब तो होंदे हुए फिर मैं दरबार साहब मेरी ड्यूटी 4 साल हो गए मैं 2018 अगस्त में मेरी तब्दीली जी दरबार साहब हुई सी तो उत्थे फिर मेरी ड्यूटी निरंतर चल रही है। फिर सब जी जिवें आप देखते हैं कि बहुत सारा जो अपन एक एज के उत्ते जाके सानू इउं लगता हुंदा कि अज भी साडे नौजवान यही सोचते हैं कि अगर असी कीर्तन वाले पासे नू जाने आ कीर्तनी है आप देख ही रहे हैं कोई ज़्यादा इसनू असी एक साडी कहांगे कि ये साडा माइनस पॉइंट है कि असी कीर्तनिया नू जो सत्कार जो कीर्तनिया नू सारी जिंदगी अपनी कीर्तन नू दे देंदे ने वह होना चाहिए किते ना किते आप उत्थों लैक कर जाने आ। तुसी जिंदगी दे विच ये सोच क्यों किवें अपनाई कि तुहानू कीर्तन करना चाहिए थोनू किवें लगा कि थोनू ये सेवा जड़ी करनी चाहिए है। देखो साडा मुढ़ला जिहड़ा स्थान था ना बाणी नाल जुड़ना कीर्तन नाल जुड़ना तो गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़ना ये बहुत पुरबले कर्म नाल ही जुड़िया जा सकता है। तो मैं समझदा कि मेरी बड़ी वड्डी खुशकिस्मती है कि मैं महाराज का कीर्तन कर रहा बाणी नाल जुड़िया होया मैनू उहदे विच सकून है मैं बहुत खुश हाँ कि चंगी चंगी पदवियों से भी लोग जाग करके उन्होंने वो मान सत्कार वो प्यार नहीं मिलता जो कि महाराज की कीर्ति करते हुए गुरु घर की कीर्तन की सेवा करते हुए मिलता है। बड़ी बड़ी हस्तियाँ जिन्होंने लोग तरसते ने मतलब मेरा कोई भी काम हो पिछले दिन मैं अपना पासवर्ड बनाया तो जो भी मैं दफ्तर मैं कोई काम से कोई अड़चन से जो मैं जावा वे वे अफसर ने उठ के खड़े हो जाना तो ईवन के जो पासपोर्ट अफसर अमृतसर में वो सहजधारी सके रहन वाले जलंधर तो मैं जो उन्होंने मिलया तो वो कुर्सी तो खड़े हो के तुसी देख लो इस तो वड्डी होर वड्याई कड़ी है जी। तो कहते गुरु रामदास पातशाह घर का कीर्तनी आ तुसी इत्थे आयो साडे वड्डे भाग ने तो खड़े होकर उन्होंने सत्कार किया प्यार नाल मैनूं मिले मैं बड़ा खुशकिस्मत हाँ बहुत खुश हाँ कि मैनू धन गुरु रामदास पातशाह के दरबार च कीर्तन का की हाजिरी भरन का पक्के तौर पर मैं ड्यूटी उत्थे मिली है तो पक्के तौर पर मैं सेवा कर रहा ये महाराज की कृपा है बस। बिल्कुल क्योंकि असी ने एक लाइव कर रहे थे तुसी किसी समागम दे विच कीर्तन कर रहे थे उत्थे एकदम जो तुसी कीर्तन करना शुरू किया ना तो जो लोग से वो एकदम इदा जुड़े जिवें उन्होंने मतलब एक झलक ही मिली भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी नूर होना दी ते जिन्नी देर तक तुसी कीर्तन करते रहे संगत स्टिल सुनती रही तो इतों ये होंदा है कि संगत थोनू किन्ना सुनना रूह नू सकून मिलता थोड़ा कीर्तन है जो कितने सुनते हुई तो इं लगता कि सारा कुछ एकदम शांत ते सुकून ते खड़ा मतलब उत्थे रुक जावे कड़ियाँ। हाँ जी भैन जी मैं तो यही समझांगा कि इहदे विच सारी कृपा जो है ना धन गुरु रामदास पातशाह की धन धन गुरु रामदास पातशाह की कृपा है उन्होंने बख्शिश है जी जिदे करके इन्ना प्यार मिलता है क्योंकि जो उत्थे हाजिरी भरते हाँ महाराज के दरबार च जब ड्यूटी होंदी है तो चंगे चंगे रागी कह कमाने वाले भी वो जो महाराज की हजूरी जाते हैं ज जा असी भी जाने तो कई बार हों कि बंदा शब्द कंठ करके जाता है शब्द नवे कंठ करने होंगे ने कंठ करके जाना हों तो सिंह साहबां वालों भी सारे रागियों को यह हों कि तुसी सारे रागी वध तो वध शब्द कंठ करो जदों कि शब्द नवा कंठ किया हो ड्यूटी करनी हो महाराज नूं अरदास बेनती करके जाइदा फिर भी पता नहीं वो सचखंड है तो उत्थे जाके बंदे दी रूह कंब जाती है कि मैं किस तरह कीर्तन करांगा मेरी हाजिरी किस तरह होवेगी महाराज तरस करते ने जदों दिलों अरदास बेनती करदी है तो महाराज फिर वो हाजिरी आपे करवा लेंदे ने कीर्तन महाराज करवाते हैं तां हुंदा कि बंदा सोचे मैं कीर्तनी हाँ मैं वड्डा कीर्तनी हाँ मैं बहुत वड्डे आलाप ला लैना मैं बहुत वधिया गवाइया हाँ बट ऐसा कोई भी सोच या धारणा बंदा लैके जाए
उहदे कोल कीर्तन ही उत्थे होएगा। एक शब्द भी नहीं तुरेगा, एक लफ्ज़ भी नहीं तुर सकता। महाराज कीर्तन कराउंदे ने गुरु रामदास पातशाह, तां बंदा उत्थे कीर्तन कर सकदा है। ये महाराज की वडियाई है। बिल्कुल वीर जी, हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहिब, हजूरी रागी का की मतलब है? मतलब कि तुसी जिहड़ा परमानेंट, जिवें तुसी कहा पक्के तौर पर, हाँ जी, एक थोड़ा जिहा इस दे बारे भी जानकारी दिओ। पक्के तौर का मतलब है कि वैसे तो देख लीए कि आप जिन्हें भी महाराज के कीर्तनियां सारे महाराज की कृपा नाल ही कीर्तन कर रहे हैं, पर वो हुंदा कि श्रोमणी कमेटी रागी की नियुक्ति करती है, बकायदा वह इंटरव्यू हुंदा है। इंटरव्यू बेस पर साडा जदों इंटरव्यू होया भाई गुरदास हाल, तो उहदे विच प्रोफेसर करतार सिंह जी, डॉक्टर गुरनाम सिंह जी, उन्होंने इंटरव्यू लिया आधारित रागां ते। फिर उस बाद जदों पक्के होए, साढ़े सिंह साहब सत्कारयोग हैड ग्रंथी जगतार सिंह जी, सिंह साहब हैड ग्रंथी दरबार साहब मुख ग्रंथी, वो बिच बैठे सन, और सिरमौर दी पंथ दियां सिरमौर हस्तियां वो सारियां बिच बैठियां सन। तो सिंह साहब जी ने आप इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यू लैके सारे, वो फिर इंटरव्यू बेस पर ही सारे की सिलैक्शन होंदी है। फिर वो कच्चे होंदे ने जां कच्चियां तो फिर पक्के होंदे ने, उहदे विच सिंह साहब आप इंटरव्यू लैंदे ने, ते धन गुरु रामदास पातशाह की कृपा नाल ही रागी उत्थे पक्के होंदे ने। मतलब उन्होंने बतौर फिर सैलरी मिलती है, तनखावां दित्तियां जांदियां ने, मंथली सैलरी होंदी है जी। ते ये महाराज की कृपा नाल मतलब ड्यूटी जिहड़ी है वह सारे रागी उत्थे करदे ने। भाई साहब जी, आप जी ने शुरुआती कीर्तन किन्हां कोलों सीखना शुरू किया? मेरे शुरुआती जिहड़े मेरे उस्ताद कह लो, मेरे वड्डे ब्रदर भूआ जी दे बेटे भाई रविंदर सिंह जी, वह इस वेले यूके ने, यूके पक्के ने परमानेंट, उत्थे वो मतलब उत्थे सेवा कर रहे ने। तो उन्होंने शुरुआत जिहड़ी कीर्तन विच मैनू इस पासे लिआंदा भाई रविंदर सिंह जी, तो उन्होंने कोलों मैं कीर्तन की काफ़ी देर काफ़ी समा उन्होंने कोलों लगाया। तो उस तो बाद मेरे सत्कार जो वीर मिंदर सिंह जी छठे तो रहने वाले ने, भाई मिंदर सिंह जी खालसा जी जी, उन्होंने भी काफ़ी समा मतलब दास ने सेवा की। तो इस तरह मतलब फिर 2001 विच मेरा जरा जत्था बनया, तो उसकी सेवा जी पहले शुरुआत में बाबा फतेह सिंह गुरुद्वारा गांजनगर इतने 8 साल कीर्तन की सेवा की। तो फिर उस बाद रिहाड़ी गुरुद्वारा, गुरु नानक गुरुद्वारा, सारे गुरुद्वारे ड्यूटी करते हुए 2009 च फिर मेरा इंटरव्यू होया दरबार साहब अखबार च इंटरव्यू आई जी। मेरे छोटे ब्रदर भाई परविंदर सिंह जी वो मेरे नाल तबले ते सीगे जिन्होंने इंटरव्यू दिती साडी, फिर दोनों भरावां दी इंटरव्यू बाद सिलैक्शन होई। इंटरव्यू बेस ते फिर असीं जिहड़े दरबार साहब सानूं सेवा करन दा मौका मिलिया जी। जी भाई साहब जी, एक कीर्तनी है जिदा आप कहने हुण तुसीं सचखंड श्री हरिमंदर साहिब कीर्तन कर दिओ, इस तो उपर कहिंदे गुरद्वारा साहिब कीर्तन किते भी करो, कीर्तन सुनन वाला और कीर्तन करन वाला हमेशा ही गुरु साहिब दे नेड़े ही हुंदा है। क्या जदों आप कीर्तन करते हाँ, एक कीर्तनिया भी लगातार सारी जिंदगी सीखते ही रहेंगे हो तुम कि जिदा क्या कि रागों के? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समय के रागों के हिसाब न जड़े जड़े समय का राग है, सवेर के समय का राग, दोपहर के समय का राग, फिर संध्या समय, फिर रात्रि का राग, समय के हिसाब न जिमें जिमें राग समा बदलता उस समय हिसाब न रागों की भी वो मतलब उस तरतीब के हिसाब न कीर्तन होंदा। तो सीखना सारी जिंदगी है, क्योंकि मेरे ब्रदर तो बाद भाई रविंदर सिंह तो बाद पंडित पृथ्वीनाथ रैना जी जम्मू च ने, फिर म्यूजिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स जम्मू कश्मीर विखे, उत्थे फिर मैं 2-3 साल का समा उत्थे लगाया। उस बाद प्राचीन कला केंद्र जिहड़ा प्राचीन कला केंद्र तो मैं बीए म्यूजिक कीती, ते फिर मेरे अमृतसर जदों गया उत्थे भी बाली साहब उस्ताद जी ने उन्होंने को भी थोड़ा समा मैं लगाया। तो सारी जिंदगी बंदा कीर्तन सीखता ही है, क्योंकि कदा कोई भी कीर्तनी आ ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा हो गया, क्योंकि वड्डे वड्डे उस्तादों ने सुने उन्होंने कहना उन्होंने मनना ही सी कि बंदा सारी जिंदगी सीखता है, कदे भी कोई बंदा पूरा तो हो नहीं सकता, क्योंकि असी सीखांगे तो अगे वधांगे, जे असी सीखना बंद कर देवांगे तो असी रुक जावांगे, एक जगह खलो जावांगे। जिवें तुसीं देखो पानी खड़ा है, खड़ा पानी तो देखो उसकी स्मैल आनी शुरू हो जाती है, अगर पानी बह रहा चल रहा है तो वह शुद्ध साफ है। इस तरह जिंदगी का भी एक मतलब सीखना बहुत जरूरी है, सीखना और नित प्रति रियाज करना, शब्दों का अभ्यास करना, वो तो वह शब्द कंठ करने,
शब्दों का अभ्यास करना, रोज़ का रियाज करना, ये नेता प्रति होएगा तो बंदा अगे वधेगा जी। बहुत वधिया। तो वीर जी मेरा अखीरला सवाल भाई साहब जी रहेगा कि नौजवान ना अज कल आप देख रहे हैं घट रुझान कर रहे हैं, घट जा रहे हैं कीर्तन वाले पासे ने, क्योंकि देखो चलो वाहिगुरु कृपा करते हैं किसी पर कि थोड़ा ड्यूटी मिली, थोड़ा सेवा मिली है सचखंड श्री हरिमंदर साहब। तो जेकर असी छोट मतलब लोकल गुरद्वारा साहब वेख लीए तो कीर्तनियां जिवें मैं पहला भी किया उन्ना तो ना उन्हों का सैलरी स्केल है, उन्होंने पे भी नहीं उन्ना किया जाता। तो फिर इस यही कारण है कि कीर्तनीय का बच्चा कीर्तनी अगे नहीं बन रहा। नौजवानों नू थोड़ा की मैसेज रहेगा कि अगर तुसी इस पासे आउंदे हो कीर्तन करदे हो तो किस तरीके दे नाल थानू अगे तुसी जिंदगी दे विच नाल नाल एक फ्यूचर दे विच भी तुसी इनू नाल लैके पूरी जिंदगी अच्छे तरीके दे नाल अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। देखो कीर्तन साडी जिहड़ी मुढ़ली विद्या ना, जिवें कह लो कि साडा सिख समाज वास्ते अपने सिख बच्चों वास्ते कि कीर्तन सीखना बाणी पढ़नी ये बहुत लाजमी है जी। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब नाल असीं जुड़ांगे, साढ़े बहुत बड़े भाग ने कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहब नाल असीं सारे जुड़े हुए हैं। तो महाराज की बाणी पढ़ के कितना सुकून मिलता, तो असीं अगर सारे बच्चों अपने नाल कीर्तन नाल जुड़ांगे, कीर्तन नाल जुड़ांगे, बाणी नाल जुड़ांगे, तो एक सच्ची सुची सेध मिलती है। साढ़े ब्रदर भाई परविंदर सिंह जी, भाई रसविंदर सिंह जी, भाई बलविंदर सिंह जी, सारे महाराज की कृपा है, सारा ही परिवार, भैन इंद्रजीत कौर, हरमीत कौर, तो छोटी भैन भाई मनप्रीत कौर, सारे मतलब महाराज की कृपा के सारा परिवार कीर्तन नाल कथा नाल। छोटे ब्रदर भाई रसविंदर सिंह जी वो इस वेले पुलिस विच ने, पर वो कथा करते हैं, कथा ड्यूटी करते हैं। तो महाराज की कृपा है कि महाराज के घर नाल जुड़िया ही तो बहुत वधिया। तो अगर इस पासे असीं जुड़ांगे, सारे सारे बच्चे जुड़ांगे, सारियां दे परिवार जुड़नगे, बाणी वाले पासे चलांगे, तां उहदा मतलब एक अलग ही सुकून है। क्योंकि एक अपनी सैटिस्फैक्शन होंदी है कि असीं मतलब बाणी नाल जुड़े हाँ, तो सारा दिन बहुत वधिया निकलदा। कि ठीक है कि सर्विस भी जरूरी है, पर कीर्तन सीखना एक पहली गल, सब तो पहले साडा मूड अगर पक्का होएगा, आखिर असीं मूड पक्का होएगा तो असीं फिर जिस फील्ड में जावांगे असीं कदे भी धोखा नहीं खावांगे। क्योंकि सब तो पहली गल है कि असीं बाणी नाल जुड़िए, सानू साडे इतिहास बारे पता होना चाहिए, बच्चों सारे बच्चों पता होना चाहिए, परिवारक बच्चों इतिहास का पता हो, बाणी का पता हो, फिर असीं जिते भी जावांगे, जड़े फील्ड जावांगे, साडी जय जयकार है, असीं अगे वधदे जावांगे जी। वीर जी जी बहुत वधिया लग्या, बहुत सोहणे ते सहजे तरीके दे नाल तुसीं अपने विचार सांझे कीते ने। ते मैं वीर जी क्योंकि देखिया तुहाडा परिवार जिवें तुसीं कहा कि सारे गुरसिख परिवार है, एक बारी मैं परिवार भी पूरा भाई साहब जी होणा दा विखावांगे, आपां सारा ही सारा परिवार बड़ा गुरसिख परिवार है। जिदा भाई साहब जी उन्होंने कहा कि उन्हां दी भैणां ने, तीन भैणां ने जी, वह भी कीर्तन दे नाल जुड़े हुए ने, ते बड़ा ही गुरसिख प्यार वाला परिवार हैगा ये। वीर रसविंदर सिंह जी हुणी इन्हां नूं तां आपां एक बाणी चैनल दे उत्ते साडे इन्हां दा है भी है, इन्हां ने एक बारी बहुत सोहना सुनेहा संगत नूं गुरद्वारा साहिब विखे दिता सीगा, वह भी आपां एक बाणी चैनल दे सांझा कीता, ते संगत ने बहुत सारा प्यार भी दिता। ते तुसीं उन्हां दे माता जी भी वेखे ने, आपां इन्हां माता जी होणा दा भी धन्नवाद करदे आ जिन्हां ने अपने बच्चों नूं इन्नी सोहनी परवरिश दित्ती। इन्हां दे पिता जी का भी बहुत धन्नवाद करदे आ, क्योंकि सिख कौम दे विच अगर इहो जिहे माता पिता हैगे ने तो साड़ी सिख कौम दे विच बच्चे जरूर गुरु वाले बनते हैं, गुरु प्रति प्यार हुंदा, यह पहला फर्ज साडे घर तो ही हुंदा माता पिता का ही। तो परिवार तुसीं वेख्या बड़ी खुशी हुई है भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी नूर होना दे नाल गल करके, नाल उन्हां दे परिवार नूं मिल के। तो जम्मू कश्मीर की सिख संगत को मैं बेनती करांगी कि तुसी जरूर भाई साहब भाई नूर से भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी नूर होना दे जड़े इन्हां विचारां वो अगे तक पहुँचायो, क्योंकि कीर्तन तो इन्हां दा सारी दुनिया ही सुनदी है, वर्ल्ड वाइड भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी नूर होना नू प्यार दिता जाता है। और साढ़े लिए अज माण वाली गल है, साढ़े लिए ज़्यादा खास क्यों है, क्यों माण वाली गल है, क्योंकि ये साड़ी जम्मू कश्मीर की धरती तो ने। तो मैं एक बार फिर तो भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी नूर होना का बहुत बहुत धन्यवाद कर दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप साध संग जी अज बड़े खुश हाँ, तो नाले एक बाणी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जिहड़े चल के अपना समा कढ के अज साडे घर विखे
साढ़े वड्डे वीर जी भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी नूर जिन्हों का इंटरव्यू लैन ले आए तो वीर जी ने शुरुआती गलों के जदों पिता जी की गल की सच्ची मैं उही गल थोड़ी जी सांझ पाव कि मैं आपे ना बड़ा शौक सीगा कि मैं आज भी नौकरी कर रहा इदा मैं सर्विस मिल जाए लेकिन जोड़े बापू जी से वह चाहते थे कि नहीं जोड़े मेरे बच्चे आ जिमें व्डे वीर जी ये शुरुआती दिनों में पहला इस पासे नहीं ड्राइवरी लैन में जाने वाले पासे ख्याल सीगा लेकिन बापू जी ने ना समझाना नहीं जी गुरु की लाइन आ इस राह पर तुरीए वधिया रहूगा। मैं कई बार आपे फौज की भर्ती वेखन तुर जाना कि मैं इस पासे ना आवा लेकिन बापू जी ने कहना नहीं आ जी लाइन आना है वधिया मैं चाहना तुम इसे राह पर तुरो। तो जगजीत वीर जी उन्होंने गल भी बापू जी की क्योंकि पंजाब की धरती गुरदासपुर लुधियाने वाले पासे आप बहुत लंबा समा रहे हैं। मैं आप उतों ग्रैजुएशन करके मुड़ के जम्मू जदों इतने एम ए करना शुरू हो गया सतगुर सच्चे पातशाह की कृपा नाल वड्डे वीर जी भाई जगजीत सिंह जी नूर इन्होंने मैनू समझाना कि तू कथा सीख। इतने मैं हौली हौली दो तीन साल तकरीबन रैगूलर कथा का कोर्स किया वड्डे भाई साहब तो अपने बापू जी तो बहुत कुछ सीखिया जड़ा कुछ चाहते सन कि मेरे बच्चे अगह सिखी लाइन पर तुरन तो उन्होंने पाए पूरनिया दिते मेरिया भैन चल रही ने मेरे भरा छोटा ब्रदर परविंदर सिंह जड़ा हजूरी रागी दरबार साहब वड्डे वीर जी के नाल ही लगा अब USA की धरती पर है। ये सब साढ़े बापू जी दे कीतियां हुई अरदासा सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु रामदास महाराज जिन्होंने भाई साहब चो दरबार साहब अमृतसर ड्यूटी लैनी सी उन्होंने बख्शिश के नाल दे नाल आ जिहड़े संगतां दे रूबरू होए हैं। वीर जी ने अखीर में मैसेज दिता भैन रमन कौर ने जम्मू के रागी सिंघां दी गल की जड़े मेरे वीर गुरु का कीर्तन कर रहे हैं जम्मू में कर रहे हैं जिन्हां दे मनां दे अंदर है सानू सैलरियां चंगियां नहीं मिलदियां साडा फ्यूचर किदां दा होगा उन्होंने मैं कहना चाहुंदा कि मेरे वीरो घबरो ना सतगुरु सच्चे पातशाह जहरा जहूर हाजरा हजूर हर जगह मेहर करने वाले ने बख्शिश करने वाले ने उन्होंने अपना बख्शिश भरिया हथ वड्डे वीर भाई जगजीत सिंह ते रखिया। वेखो जम्मू दियां स्टेजा नानक नगर की स्टेज मैनू चेता वा जदों मैं जम्मू पंजाब तो 2001 आया सीगा वीर जी ने इत्थे फतेह सिंह गुरुद्वारे कीर्तन करना इहदियां सैलरियां नहीं सीगियां फिर रिहाड़ी गुरुद्वारे वीर जी आप ठंड दे विच सवेरे स्कूटर चला के जाना मैं वेंदा रहा वा तो सतगुरु सच्चे पातशाह दे घर कीर्तन करदे रहे बड़ी पीड़ा वीर जी ने अपनी जिंदगी च हंडाई। अज मेरे रागी सिंह भरावो घबरो ना जो प्रबंधकी सिस्टम आदा दे रहना सारी जिंदगी लेकिन अपना हिरदा इदा विशाल कर लो। कई बार मैं चेता वड्डे वीर जी ने घाबर भी जाना लेकिन सतगुरु सच्चे पातशाह की अरदास करनी मालका तू ही डोर फड़न वाला दुनिया से साड़ी डोर फड़न वाला उ आप भुलेखे च ना रहीए किसी प्रबंधकी सिस्टम जोड़ा इदा ही चलता रहना लेकिन जी गुरु अगे अरदास की ना वो कभी खाली नहीं जानी। अज जिमें वीर जी हजूरी रागी श्री दरबार साहब अमृतसर ने दुनिया एक बारी हाजरी भर के ना ला लें मैं हजूरी रागी बन गया लेकिन जोड़े हजूरी रागी ये बने ना मैं पता वा जिदा वीर जी ने लंबा समा गल की इतों ड्यूटी जाना हापड़ की धरती से सवेरे निकलना ट्रेन का सफ़र करना उत्थे पहुँचना बड़ी पीड़ा लंबा समा डा के अज गुरु रामदास महाराज तुट्ठे तकरीबन 4 साल तो सतगुरु सच्चे पातशाह वीर जी ने कहना कि मैं हुण दरबार साहब आ गया वा तो मैं कहना वीर जी थोड़ा लाइव जदों आऊगा ना उदों मन अंदर शांति आनी सच्ची मेरा वीर दरबार साहब आ गया। तो अज बापू जी भावें साडे विच नहीं गए तो उन्हां दी गल करदे आ अरविंदर वीर जी जिन्हां दी वीर जी ने गल की भूआ जी दे बेटे UK की धरती ते ने जदों भरावां दी गल करदे ने ना महेंद्र सिंह खालसा जिन्हां दी चट्टे तो गल की ये साडे सारे भरा मैं अज इन्हां सारयां दा ऋणी आ। वीर जी ने उन्हां दा नाम लिया आपां भुल भी जांदे आ कि उह मैं शुक्र करना सतगुरु सच्चे पातशाह जदों वीरा घर आउंदा ना सानू बड़ा फकर हुंदा ते कई बार मैं वीर जी गेट तो आउंदे मैं पैरी हथ लाउंदा कहिंदे इदां ना कर लेकिन जिहड़ा सुकून आ मैं इन्हां नूं कई बार वेख्या दुनिया खड़ी हो जाती आ संगतां आउंदियां ने उह प्यार सत्कार जिहड़ा मिलदा आ उह गुरु रामदास महाराज दे घरों मिलदा। रागी सिंघो जम्मू वाले मेरे भराओ हथ जोड़ के बेनती करां कल जगजीत सिंह तुहाडे विच इन्हां छोटियां स्टेजां ते कीर्तन करदा सीगा पर उहने कदी अपना दिल हौला नहीं होण दित्ता बड़िया पीड़ा जिंदगी विच आईयां बहुत कुछ हंडाया ये सारी पीड़ा नूं हंडा के अज सारिया पीड़ा गुरु रामदास महाराज ने उहदियां चक लईयां ते अज दुनिया दे विच जिवें वीर जी गल कर रहे सी जिहड़े दफ्तरां विच मैं पासपोर्ट दे टाइम वीर जी नाल जांदा रहा सच्ची गल आ JP सिंह साहब साडे IPS रिटायर हो चुके ने उहनां दे दफ्तर गए मैं नाल सीगा उह वी जदों वीर जी नूं वेखणा ना अच्छा मैं कई वारी गल करनी मैं सर उन्हां दा ब्रदर आ जगजीत सिंह दा जिहड़ा दरबार साहब
उन्हें बड़ा प्यार देना। जो प्यार मिलता है ना, यह मिलता जे सतगुरु सच्चे पातशाह घर सेवा करने लिए। छोटिया स्टेजा दे जड़ी मर्जी छोटी स्टेज हो, जिथे भी तुसी कीर्तन करने आ, कभी दिल नू हौला ना होण दिओ। बस सतगुरु सच्चे पातशाह अगे अरदास करो, सतगुरु सच्चे पातशाह जीओ तुसी साड़ी सार लैण वाले हो, तुसी साडे दिलां दी जानण वाले हो। सारे रागी सिंह मेरे वीर जिहड़े जम्मू कश्मीर विच ने, दिल छोटा नहीं करना, मेहनत करो। जिवें वीर जी ने सुनाया कि जिंदगी विच रागी सिंह कोई ये ना जिहड़े समझदे आ ना मैं बड़ा रागी बन गया, मैं समझना वो रागी दे रहा ते हले तुरना ही नहीं उन्होंने आया। जिहड़ा प्रचारक है कहिंदा मैं बड़ा वड्डा प्रचारक बन गया, मैं समझना उन्होंने जिंदगी विच प्रचारक बनना हले आया ही नहीं। आ जिहड़ी सारी जिंदगी है ना रागी सिंह दी प्रचारक दी सीखण वाली आ, ते सीखदियां सीखदियां मालक सतगुरु सच्चे पातशाह अगे अरदास करदे रहिए। सतगुरु जी तुसी साडी वागडोर फड़ो, आपां अरदास करनी आ, मेहनत करनी आ, ते मेहनत रागी सिंह वीरो रंग लिआउंदी आ। जिदां वीर जी छोटी स्टेज तों तुरदे होए, हर एक रागी सिंह दा सुपना हुंदा आ कि मैनूं वड्डी स्टेज सचखंड श्री दरबार साहब अमृतसर मिल जाए। कईआं दी जिंदगी विच तांग हुंदी आ, मैनूं आप कई रागी सिंह कहिंदे रहिंदे ने कि वीर जी नूं कह सानूं कि उत्थे कीर्तन करन लई कोई समां मिल जाए। जिहड़ी मन अंदर ख्वाहिश आ ना, वह सतगुरु सच्चे पातशाह पूरी करन वाला जे, सिर्फ उहदे दरों मैं अमूमन बेनती करदा रहिंदा, सानूं मंगणा आ जाए, अरदास करनी आ जाए। मेरा सतगुरु तां सच्चे पातशाह बिन बोलिआं सब कुछ जाणदा, जानण वाला आ, वह सारिआं दे दिल दी जाणदा आ। उहने किन्नूं अरशों चुक के फर्श ते लै जाणा, ते फर्शों चुक के अर्श ते लै जाणा, उहदीआं बातां ने। सतगुरु कृपा करे कि सानूं रागी सिंघां नूं, ग्रंथियां नूं, प्रचारकां नूं, बस सतगुरु सच्चे पातशाह अगे अरदास बेनती जोड़ी करना आ जाए। फिर दुबारा भैण रमन कौर जिहड़े अज साडे घर चल के आए वीर जी का इंटरव्यू लैण लई, एक बाणी चैनल का पूरा परिवार जिहड़े निशकाम हो के, जिन्हां दा टीचा आ कि पूरी जम्मू कश्मीर दे विच जिहड़े सिक्खी दे असूल ने, सिक्खी दे जिहड़े सिक्खी दे नाल जुड़े हुए इदां दे वीर जिहड़े भावें दरबार साहिब हजूरी रागी होण जां फिर होर इस खेत्र दे विच सिक्खी प्रति कुछ करदे होण, उहनां दे घरीं आ के इंटरव्यू लै के अंदर सोच ये आ कि गुरु नानक दे घर दी जिहड़ी सोच आ उह पूरी संसार दे विच वंडी जाए। इन्हां सारिआं दा एक बाणी टीम दा बहुत बहुत धन्नवाद जिहड़े चल के साडे परिवार विच पहुँचे, संगतां नूं साडे परिवार दे दर्शन करवाए, सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। गज के फतेह बुलाओ, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की। रंग रंग